हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NBCC शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में भी एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक जो है अब यहां पे चलने के लिए रेडी हो रहा है बिल्कुल। तो इन डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको कैसे इस स्टॉक में ट्रेड को प्लान करना चाहिए। स्टॉक 50 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसी वजह से बहुत से लोग इस स्टॉक में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। तो इसी वजह से आपको पूरा लेवल देखना चाहिए, जो किस लेवल पे आपको ट्रेड करना है, या फिर अगर आप लोगों ने बाई कर लिया है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं NBCC शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को तकरीबन 5% का तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है 38 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा तेजी देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक जो है बिल्कुल साइडवेज ट्रेड किया और लास्ट के टाइम में स्टॉक में थोड़ा बहुत हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला, बट स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने डे के हाई लेवल पे ही क्लोज हुआ है। इस स्टॉक का अगर 1 ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक ने 1 ईयर में निगेटिव रिटर्न दिया है, 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर इस स्टॉक का हम लोग 5 ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे, स्टॉक ने 71% का निगेटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक कंटिन्यूसली आपको 132 के लेवल से 2017 में 132 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और वहां से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हम लोगों को फॉल ही देखने को मिल रहा है। तो आखिर अब इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे मंथली चार्ट के ऊपर, हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर इस स्टॉक का हम लोग ऑल टाइम हाई देखेंगे, स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 145.65 रुपीज का, जो कि स्टॉक ने नवंबर 2017 में लगाया था। और एग्जैक्टली उसी लेवल से हाई लगाने के बाद से कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। क्लियरली स्टॉक एक बहुत ही जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक में एक बार वापस से बायर्स जरूर आए, अगेन यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करने के लिया आए। बट यहाँ पे आपको नेक्स्ट टाइम जब सेलर्स आए रिसेंटली, तो यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस स्विंग लो को इंटेक्ट किया, प्रीवियस स्विंग लो इनसे ब्रेक नहीं हुआ और वापस से अगर देखेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो आपको कंट्रोल ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को मंथली चार्ट पे एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है, डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है और उसका ब्रेकआउट भी ऑलरेडी हो चुका है। ब्रेकआउट पूरा का पूरा ब्रेकआउट तब कंफर्म होगा जब आपको मंथली कैंडल यहां पे क्लोज हो जाएगा। मंथली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी आपको मोर देन वीक यहां पे समय लगेगा। अभी ऑलमोस्ट आपको 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है इस मंथ में, जहां पे कि इस स्टॉक में अभी टाइम है मंथली कैंडल क्लोज होने का। तो अगर इस स्टॉक का मंथली कैंडल आपको यहाँ पे 38 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक जबरदस्त मुनाफा देखने को मिल सकता है, जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। जहां पे कि इस स्टॉक में आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 58 to 60 रुपीज का लेवल, जहां पे कि आपको इस स्टॉक में पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर 60 रुपीज के ऊपर स्टॉक निकलता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 100 रुपीज तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से अगर आप लोग यहाँ पे अभी तक बाय नहीं किए हैं तो वेट कीजिए। अगर मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है 38 रुपीज के लेवल के ऊपर या फिर 40 के लेवल के ऊपर, तो 30 रुपीज के एसएल के साथ जो है आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं, जहां पे कि आपका मैक्सिमम जो रिस्क रहेगा वो 10 पॉइंट का रहेगा, लेकिन ऊपर की साइड आपका रिवॉर्ड जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट में आपको 4 times 5 times भी रिवार्ड यहां पे मिल सकता है। इसके साथ ही अगर मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन भी चल रहा है, जिसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो फिर एक ट्रेंड लाइन का भी यहां पे हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इससे पहले यहां पे स्टॉक ने कोशिश किया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने का, क्लोजिंग नहीं दे पाया। फाइनली इस मंथ में एक अच्छा मोमेंटम जरूर दिख रहा है, बट ये लास्ट तक आपको कैरी होता है नहीं, ये आपको आने वाला टाइम बताएगा। अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, वेट कीजिए, आपको यहां पे एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो
आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।